पौलुस की तीमुथियुस की पहली पत्री अध्याय 4:10 मैं पढ़ती हूँ, सभी लोग सुनिए। क्योंकि हम परिश्रम और यत्न इसीलिए करते हैं कि हमारी आशा उस जीवते परमेश्वर पर है, जो सब मनुष्यों का और नीच करके विश्वासियों का उद्धार करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर पौलुस बता रहा है कि हम परिश्रम और यत्न, यानी परिश्रम और मेहनत, कोशिश हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी आशा, हमारा विश्वास, हमारा भरोसा उस जीवित परमेश्वर पर है, जो सब मनुष्यों का और विशेष करके विश्वासियों का उद्धार करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस वचन में पौलुस ने ऐसा बताया है कि हम परिश्रम और यत्न करते हैं, यानी हम मेहनत और कोशिश दोनों बातें कर रहे हैं। प्रभु में वो खुद के विषय में बता रहा है कि हम मेहनत और कोशिश, ये दोनों काम कर रहे हैं। मेहनत यानी हर एक आत्मा को बचाने के लिए पौलुस मेहनत कर रहा है, और कोशिश कर रहा है हर एक आत्मा प्रभु में बना रहे। वो खुद के विषय में बता रहा है कि हम इसीलिए मेहनत कर रहे हैं, इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारी आशा उस जीवते परमेश्वर पर है। वो जीवता परमेश्वर जिसे बाइबल यहोवा पिता कहती है, उसके विषय में बताया है कि हम उस जीवते परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जो सब मनुष्यों का और विशेष करके जो उस पर विश्वास करते हैं उनका उद्धार करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु में आने के बाद, प्रभु यीशु पर विश्वास करने के बाद, हमें भी मेहनत और कोशिश करते रहना है। हम जानते हैं, आप अच्छे से जानते हैं कि लोग दुनिया में आज मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, पर किस चीज़ के लिए, क्या पाने के लिए कर रहे हैं? वो मेहनत कर रहे हैं अपना परिवार चलाने के लिए, अपना घर चलाने के लिए। वो कोशिश कर रहे हैं अच्छे से अच्छा घर बनाने के लिए, अच्छे से अच्छे स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन करने के लिए, हर एक चीज़ें अच्छी से अच्छी दुनिया की चीज़ें को पाने के लिए वो मेहनत और कोशिश कर रहे हैं। अच्छे से समझ लीजिए, आज सब लोग मेहनत कर रहे हैं, पर यहाँ पर दो बातें अलग अलग हैं। पहली बात है, आज दुनिया के लोग भी मेहनत और परिश्रम यानी कष्ट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, पर वो दुनिया की चीज़ों को पाने के लिए कर रहे हैं। एक व्यक्ति जब सुबह में सोकर उठता है तो उठने के बाद उसके मन में एक ही बात रहती है कि समय पर ऑफिस में पहुँचना है, समय पर कंपनी में पहुँचना है। अगर देरी से पहुंच जाएंगे तो वहां पे लेट मार्क लग जाएगा, देरी से पहुंच जाएंगे तो आधे दिन का पगार कट जाएगा। इसीलिए समय पर पहुंचना है, समय पर ट्रेन को पकड़ना है, और उसके लिए वो सुबह सुबह मेहनत करता है, कोशिश करता है वो सुबह में उसकी ट्रेन पकड़ने के लिए। और जब वो जैसे तैसे ऑफिस में पहुँच जाता है, दिन भर वो काम करता है, दिन भर वो मेहनत करता है, दिन भर वो मेहनत करता है, कोशिश करता है, ऐसे करके पूरा महीना वो मेहनत करता रहता है, कोशिश करता रहता है, इस बात की कोशिश करता है कि मेरी वजह से बॉस को कोई कंप्लेंट नहीं जानी चाहिए, मेरे नाम का उसके पास कोई बुरी खबर नहीं जानी चाहिए, नहीं तो शायद मेरा पगार भी कट हो सकता है, या फिर मुझे कंपनी से निकाला भी जा सकता है। वो इसीलिए मेहनत करता है कि उसे अपने बॉस को खुश रखना है, उसके ऊपर जो मैनेजर है उसे खुश रखना है। अगर उसे खुश नहीं रखेगा तो काम करने में दिक्कत आ सकती है, काम करने में परेशानी आ सकती है, इसीलिए वो भी मेहनत कर रहे हैं। आज दुनिया के लोग क्या मेहनत नहीं कर रहे? बहुत कर रहे हैं। सुबह जल्दी उठना, काम पर जाना, शाम को आना, फिर घर का भी देख रेख करना, घर की बातों के ऊपर ध्यान देना, ये उनकी मेहनत शुरू है, पर इस मेहनत का अंत में कोई प्रतिफल नहीं है, कोई प्रतिफल नहीं है।
पर पौलुस यहाँ पर बता रहा है हम मेहनत कर रहे हैं और यत्न कर रहे हैं, यानी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारी आशा उस जीवते परमेश्वर पर है। हम उस जीवते परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। पौलुस बता रहा है हम उस जीवते परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, हाँ, क्योंकि हमें मालूम है हम जो कुछ प्रभु में करेंगे उसका प्रतिफल एक दिन हमें मिल जाएगा। इसीलिए बाइबल में एक जगह ऐसा भी लिखा है ना, प्रभु में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। आप प्रभु में जो कुछ परिश्रम करेंगे, जो कुछ मेहनत करेंगे, वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा, कभी भी नहीं जाएगा। आप यहाँ पर प्रार्थना में आते हैं और आप पीछे कहीं सेवा करते हैं और आपको ऐसा लगता है कि सिस्टर को कैसे पता चलेगा मैं यहाँ पर कितना सेवा करता हूँ, सिस्टर को कैसे पता चलेगा मैं पीछे इतना बर्तन धोती हूँ या पीछे बाथरूम साफ करती हूँ, ये कैसे सिस्टर को कैसे पता चल जाएगा, यहाँ के भाई बहनों को कैसे पता चल जाएगा। आपके लिए वचन है, प्रभु में किया हुआ श्रम आपका कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। आप प्रभु में जो कुछ कर रहे हैं वो सारे श्रम का, सारी मेहनत का आपको प्रतिफल मिल जाएगा, क्योंकि पौलुस कहता है हमारा भरोसा उस जूते परमेश्वर पर है। वो जूता परमेश्वर जो सब मनुष्यों का उद्धार करता तो है, पर विशेष करके जो उस पर विश्वास करते हैं उनका वो उद्धार करता है। अब इस बात को हमें समझना है कि वो पौलुस ऐसा बता रहे हैं कि वो सब मनुष्यों का उद्धार करता है। अब वो सब मनुष्य का उद्धार करता है तो सब मनुष्य को उद्धार क्यों नहीं मिल रहा है, पर आगे उसने ऐसा बताया है जो उस पर विश्वास करते हैं उनका वो विशेष करके उद्धार करता है। मैं आपको इसमें थोड़ा सा स्पष्टीकरण जूना पुराने नियम का बताना चाहती हूँ। परमेश्वर यानी उसका पुत्र प्रभु येसु मसीह ये पूरी मानव जाति के लिए उपलब्ध है, पूरे मानव जाति का वो उद्धार करता है। उद्धार करता यानी हमारा बचाने वाला, स्वर्ग में हमें साथ में लेकर जाने वाला, उस अंत के दिनों में हमें परमेश्वर के सामने खड़े रहने के लिए हिम्मत देने वाला वो प्रभु येसु अकेला है। पर मेरे प्यारे भाई और बहनों, उसके विषय में ऐसा है कि वो इस दुनिया में आ गया, उद्धारकर्ता के रूप में आ गया। उत्पत्ति की किताब में जब आप पढ़ेंगे तब ऐसा बताएं कि परमेश्वर ने सारी सृष्टि को निर्माण किया, सृष्टि को निर्माण करने के बाद उसने पहले मनुष्य को निर्माण कर दिया जिसका नाम था आदम और उसकी पत्नी हवा। ये आदम और उसकी पत्नी हवा, ये दोनों पति पत्नी को परमेश्वर ने एक बगीचे में रख दिया, अदन की वटिका। उस बगीचे में जब उसने उन्हें परमेश्वर ने रख दिया तब तक उन्हें उद्धारकर्ता की ज़रूरत नहीं थी, तब तक उन्हें यीशु मसीह की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि तब तक उनके पास से कोई पाप नहीं हुआ था। वो परमेश्वर की आज्ञा में थे, वो परमेश्वर के प्रेम में बने हुए थे, परमेश्वर जो उन्हें बता रहा था वैसा वो व्यवहार कर रहे थे, परमेश्वर के कहे अनुसार उस बगीचे में वो रह रहे थे, यानी आनंद का दिन वो देख रहे थे। उस समय तक उनकी आंखों से कभी आंसू नहीं गिरा था, उस समय तक दर्द क्या है ये बात भी उन्हें नहीं मालूम थी। अब बाइबल में पढ़िए, वो आनंदित थे, परमेश्वर उनसे रोज बातें करता था, इतना वो आनंदित थे। अब इस आनंद को मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। आप यहाँ पर दुख और तकलीफ लेकर आए हैं, अगर आपसे सिस्टर एक घंटा बात करने लगे तो वो एक घंटा आपके लिए कितना आनंद की बात हो जाएगी, आपको आनंद हो जाएगा ना, आज सिस्टर ने मुझसे एक घंटा बात किया। अगर सिस्टर आपसे एक घंटा बात करेगी तो आपके दिल में वो आनंद इतना बढ़ जाता है, तो सोचिए उस समय आदम और हवा जूते परमेश्वर से सीधा बात करते थे तो उनका आनंद कितना बड़ा होगा। हालेलुया। यही आनंद वो अदन की वटिका में ले रहे थे, परमेश्वर उनसे बातें कर रहा था, वो ना मेहनत कर रहे थे, ना कष्ट उठा रहे थे, ना कोई तकलीफ नहीं थी उनको, ना कोई उनको काम धंधे की चिंता थी, कुछ नहीं था। भूख लगी तो फल लेकर खा लिया और फिर वो उसमें घूमते रहे, ऐसा उनका जीवन था। पर देखिए उद्धारकर्ता की ज़रूरत उन्हें कब पड़ गई, जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को जिस समय उन्होंने तोड़ दिया, यानी शैतान की बातों को जब उन्होंने सुन लिया, परमेश्वर के विरुद्ध गए, उनके खिलाफ गए, उस समय पूरी मानव जात को परमेश्वर की ओर से उद्धारकर्ता की ज़रूरत पड़ गई। हालेलुया।
उस समय उन्हें उद्धारकर्ता की जरूरत पड़ गई, क्योंकि सारी मानव जात तो पाप करने लगी, उनकी संतति बढ़ती गई और पृथ्वी पर पाप बढ़ने लगा और परमेश्वर से रिश्ता उनका धीरे धीरे टूटने लगा। जो आदम और हवा जगह एक साथ परमेश्वर के साथ मित्र के जैसा एक दोस्त के जैसे बातें कर रहे थे, वही आदम और हवा को परमेश्वर दिखना बंद हो गया। वो रोते थे, चिल्लाते थे, उनकी आवाज़ उनकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। और आज पूरी मानव जात की अवस्था ऐसी हो गई है कि इंसान रो रहा था, चिल्ला रहा था, दर्द में उठ रहा था, उसको सारे प्रकार की बीमारियां थी, पर इस सब में उनकी आवाज़ परमेश्वर तक पहुंचाने वाला कोई नहीं था। फिर क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आ गया, वह इस संसार में आने के बाद वो उद्धारकर्ता के रूप में इस संसार में आ गया। वो मनुष्य और इंसान के बीच में, इंसान और परमेश्वर के बीच में उद्धारकर्ता बन गया, एक बिचवई बन गया। ऐसा बिचवई कि इंसान यहाँ पर चिल्ला रहा है, वो जो कुछ मांग रहा है उसकी वो प्रार्थना उठाता था और परमेश्वर पिता के सामने रखता था, मतलब वो दोनों को जोड़ने वाले कड़ी बन गया। और इसी को हम कहते हैं उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज परमेश्वर यानी प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आ गया। सच में वो पूरी मानव जात के लिए आ गया है। और वो मानव जात यानी कोई भी हो, दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, रास्ते पर रहने वाला भिखारी हो या बंगले में रहने वाला अमीर इंसान हो, हर एक के लिए वो उद्धारकर्ता के रूप में आया है, हर एक के लिए। और उद्धारकर्ता यानी हम ऐसा कह सकते हैं, उद्धारकर्ता आज तक आपको किसी ने बताया होगा यीशु मसीह चंगाई दाता है। आपको यीशु मसीह के बहुत सारे नाम मालूम होंगे, चंगाई दाता, मुक्ति दाता, प्रेमी दाता, प्यार करने वाला परमेश्वर, पर उसका सच्चा नाम है उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि वो जब इस दुनिया में आ गया, तभी उसकी योजना, परमेश्वर पिता की योजना यही थी कि पूरे मानव जाति को वो उद्धार दिलाए, उद्धार। तो आप कहेंगे चंगाई जरूरी नहीं है, चंगाई मिलना, उससे आशीष मिलना, उससे सारी चीज़ों को लेना, ये सब उसके साथ मुफ्त में मिल जाती है, मुफ्त में। इसीलिए प्रभु यीशु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कीजिए। बहुत लोग प्रभु यीशु के पास चंगाई लेने के लिए आते हैं, बहुत लोग प्रभु यीशु के पास अपने जीवन की कोई समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आते हैं, कुछ लोग अपने जीवन में कोई संकट है उस संकट से बाहर निकलने के लिए आते हैं, कुछ लोग अपने जीवन के कुछ बड़े प्रॉब्लम में फंस जाते हैं और उनको ऐसा किसी ने बताया रहता है, तुम प्रार्थना में जाओ तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तुम प्रार्थना में जाओ तुम्हारी समस्याओं का हल तुम्हें मिल जाएगा, तुम प्रार्थना में जाओ तुम्हारे जीवन की दुष्टात्माएं निकल जाएगी, तुम प्रार्थना में जाओ तुम्हारे जीवन की तकलीफें निकल जाएगी। सच बात है, प्रार्थना में जाने से ये सारी चीज़ें तो आपको मिल जाएगी, पर सच बात तो ये है, आप यहाँ पर प्रार्थना में आ गए, आने के बाद अगर आपने उससे चंगाई ले ली पर उसे अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया ही नहीं, तो उसका आपको अनंत काल के लिए फ़ायदा नहीं हो जाएगा। अच्छे से समझ लेना, चंगाई लेना और उससे उद्धार प्राप्त करना, ये दोनों बातें अलग अलग है, ये दोनों बातें अलग है। चंगाई वो आसानी से सबको देता है, एक ही बार में वो बहुत लोगों को चंगा करता है, पर चंगाई ये उसका मुख्य उद्देश्य नहीं था, तो उद्धार करना ये उसका मुख्य उद्देश्य था। हालेलुया, 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 हालेलुया। और उद्धार कहाँ से होता है? विश्वास से होता है। हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं कि वो मेरा उद्धारकर्ता प्रभु है, यानी मेरा बचाने वाला है। इसीलिए अपने जीवन में उसे उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करो। प्रभु यीशु चंगाई आपको देगा, पर पहले उसे अपने जीवन में अपना मालिक करके स्वीकार करो। मेरा बचाने वाला, मुझे छुड़ाने वाला, पापों की क्षमा प्रभु यीशु इस दुनिया में लेकर आया। ध्यान से समझ लेना, जब तक प्रभु यीशु इस संसार में नहीं आया था, तब तक पापों की क्षमा इस संसार में उपलब्ध नहीं थी। परमेश्वर पिता इस संसार में काम जरूर कर रहा था, पर वो अपने संदेष्टे यानी भविष्यवक्ता के द्वारा काम कर रहा था। पापों की क्षमा तब तक इस दुनिया में उपलब्ध नहीं थी, पर जब उसने अपने इकलौते बेटे को, पुत्र को इस संसार में जब उसने भेज दिया, तभी ऐलान किया
कि जो कोई इस पर विश्वास करेगा उसका नाश ना होगा परंतु उसे अनंत काल का जीवन मिलेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बाइबल का सबसे मुख्य वचन कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो, नाश ना हो तो परंतु अनंत जीवन प्राप्त करे। ये परमेश्वर ने कब बताया? यीशु मसीह को भेजने के बाद, यीशु मसीह आने के बाद उसने ऐलान किया कि अब तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता उपलब्ध है, अब तुम्हारे लिए पापों की क्षमा उपलब्ध है, अब तुम्हें बकरे या मुर्गे की बलि देने की जरूरत नहीं क्योंकि मेरा बेटा तुम सबके पापों के लिए वो बलि देने जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने पूरे संसार के लिए आप बोलेंगे क्या प्रभु मुझे जानता था? जरूर जानता था। वो हम सबको इस धरती पर आने के पहले से जानता था, वो पूरी मानव जाति को जानता था और पूरे संसार के लोगों को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने एक ही बार बलिदान दे दिया और वो बलिदान था उसका क्रूस पर का बलिदान। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये क्रूस का बलिदान सबसे बड़ा यज्ञ हो गया, सबसे बड़ा हवन उसने परमेश्वर को चढ़ा दिया ताकि उस क्रूस पर हम विश्वास करें और विश्वास के द्वारा हमारा उद्धार हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं आपको उदाहरण के रूप में बताना चाहती हूँ, जैसे कि बहुत लोगों को लगता है कि अगर प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता स्वीकार किया तो क्या चंगाई मिलेगी, तो क्या पापों की क्षमा मिलेगी, तो क्या जो जीवन में दुख है, बीमारियाँ वो निकल जाएंगे? यीशु को स्वीकार करने के बाद क्या ये सारी चीज़ें निकल जाएंगी जीवन से? जीवन में इतनी परेशानी है, पत्नी बीमार रहती है, बच्चे स्कूल नहीं जाते, घर में झगड़े रहते हैं, पैसा टिकता नहीं है और भी बहुत सारी तकलीफें, क्या इन सब से छुटकारा मिल जाएगा? आपको बताना चाहती हूँ, समझ लीजिए आप रास्ते से जा रहे हैं और आपको बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है और आप सोच रहे हैं कहीं तो खाना खाना चाहिए, कहीं तो खाना चाहिए, पर रास्ते में इतने दोपहर के समय कड़क धूप है और उस धूप में कहीं खड़े होकर खाने की इच्छा नहीं है। कहीं तो शांति से बैठकर खाना मिलता, जहाँ पर साथ में पानी भी मिलता, कुर्सी मिलती, पंखा मिलता, तो ऐसी जगह पर बैठ के खाना खाने का आनंद अलग है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? किसी होटल में जाना पड़ेगा। होटल में गए, आपने पैसे केवल किस चीज़ के भरे? खाने के भरे। आपने खाना ऑर्डर कर दी, खाना आपके सामने आ गया, बिना आपके बोले खाने के साथ में पानी भी मिल जाएगा, खाने के साथ में आपको पंखा भी मिल जाएगा, लाइट भी मिल जाएगी, बैठने के लिए कुर्सी भी मिल जाएगी, सामने टेबल भी मिल जाएगा, सारी सुविधा उस खाने की प्लेट के साथ आपको सब कुछ फ्री में मिल जाएगा। पर उस खाने के लिए पहले आपको पैसा देना पड़ेगा। वैसा ही प्रभु येसु के विषय में है। प्रभु येसु पर विश्वास करने के लिए पहले आपको उसके क्रूस पर विश्वास करना पड़ेगा। ये पहली कीमत है कि आपको उस पर विश्वास उद्धारकर्ता के रूप में करना पड़ेगा। एक बार अगर आपने उसके ऊपर विश्वास कर लिया तो उसके साथ ही साथ आपको चंगाई, आनंद, शांति, स्वर्गीय आनंद और बहुत सारी ऐसी भरभराहट आपको मुफ्त में मिल जाएगी, मुफ्त में। उसके लिए आपको कोई कीमत नहीं देनी पड़ेगी, पर आपको केवल एक काम करना होगा और वो एक काम है उस पर विश्वास करना। एक बार आप उस पर विश्वास कीजिए, उसके साथ में आपके जीवन की सारी समस्या अपने आप निकल जाएगी, वो भी मुफ्त में निकल जाएगी, बिना किसी दाम दिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। पर देखिए, अगर आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं तो ही आपको मुफ्त में मिल जाएगा, पर दुनिया की चीज़ों को वो चीज़ें नहीं मिल जाएगी। क्यों? वो प्रभु यीशु का स्वीकार करना ही नहीं चाहते। इसीलिए तो प्रभु यीशु को पूरी तरह से विश्वास इस रूप में करना चाहिए कि वो मुझे चंगाई दे या ना दे, वो मुझे छुटकारा दे ना दे, वो मेरी बीमारी से मुझे मुक्ति दे ना दे, फिर भी प्रभु यीशु ही मेरे जीवन का उद्धार करता है। क्योंकि उद्धारकर्ता, अगर आपने उद्धारकर्ता के रूप में उसका स्वीकार किया है तो समझ लीजिए यहाँ के जीवन में वो आपको आज नहीं तो कल, इस सप्ताह नहीं तो अगले सप्ताह, एक महीने के बाद नहीं तो छः महीने के बाद, कभी तो वो आपको छुटकारा देगा, कभी तो वो आपको मुक्ति देगा, कभी तो वो आपके जीवन में शांति देगा। और इतना ही नहीं, इसके बाद
अनंत काल का जीवन भी वो आपको देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अब उस पर विश्वास करने के बाद जैसे पौलुस बता रहा है, हमें मेहनत मतलब परिश्रम और कोशिश करते रहना चाहिए। अब ये कोशिश कैसी है? ये कोशिश दुनिया के लोगों की तरह नहीं है, जैसे कि वो सुबह में उठकर काम पर जाते हैं, मेहनत लेते हैं अपने घर के लिए, सारी चीज़ों के लिए बहुत तकलीफ और चिंताओं को लेकर रखते हैं। वो आपको प्रभु में नहीं करना है। वो चीज़ें तो प्रभु आपको मुफ्त में देगा ही, पर इन चीज़ों को संभालने के लिए, प्रभु पर विश्वास रखने के लिए आपको प्रभु में अलग प्रकार की मेहनत करनी पड़ेगी। और वो मेहनत है नियमित रूप से बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, प्रभु के वचन को मानना, प्रभु की स्तुति करते रहना। ये चीज़ें करने के लिए हमें मेहनत लेनी पड़ेगी। मेहनत जैसे कि आप पहले अपने मनमानी जीवन जीते थे, आपकी मर्जी में आता था वैसे जीवन जीते थे, मन में आया तो काम पर गए, मन में आया तो घर में कुछ किया नहीं किया, आपकी इच्छा के अनुसार जीवन जीते थे। पर अब जब आपने प्रभु यीशु पर विश्वास कर लिया है, तो आपका जीवन का डोर, आपके जीवन का सब कुछ प्रभु के हाथ में देना होगा, प्रभु के हाथ में सौंपना होगा। अभी आप अपने घर के मालिक जरूर है, पर आप अपने जीवन के मालिक नहीं है, तो आपके जीवन का मालिक प्रभु यीशु है। अभी से उसे अपने जीवन का मालिक बनाना होगा, फिर वो जैसा बोलेगा वैसा करना होगा। जैसे कि आप दिन भर तंबाकू खाते हैं, आपको गुटखा खाने की आदत है, पत्नी बार बार कहती है पर गुटखा छूटता नहीं है, तंबाकू छूटता नहीं, पत्नी को आप डांट देते और कहते हैं तू तेरा काम कर, मैं मेरा देख लूँगा, तुझे तकलीफ नहीं दे रहा हूँ, मैं मेरा देख लूँगा। पर प्रभु में आने के बाद अब प्रभु आपका टीचर बन गया है, वो आपका बॉस बन गया है, वो आपका मालिक बन गया है। अभी वो आपको बता रहा है गुटखा खाना बंद करो, गुटखा खाना बंद करो, तंबाकू खाना बंद करो, मुंह से गालियां देना बंद करो। तो उतना आपको प्रभु में मेहनत लेनी पड़ेगी, उतना आपको परिश्रम प्रभु में करना पड़ेगा। और ध्यान रखना, जैसे कि वचन में मैंने बताया, कोई भी परिश्रम आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। आप अगर प्रभु की सुनेंगे तो इसका आशीष आपको ही मिल जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। और फिर आपका पुराना जीवन छोड़कर प्रभु में एक नया व्यक्ति बनना होगा, नया व्यक्ति। बहुत लोग कहते हैं ना, अपने मन परिवर्तन की गवाही देते हैं, मन परिवर्तन की गवाही यानी उनके पूरे परिवार को बदलने की गवाही। एक इंसान अपने घर में अगर बुरा व्यवहार करता है तो सोचिए उसकी पत्नी को, उसके बच्चों को, उनके माता पिता को, उनके पड़ोसियों को कितनी तकलीफ होती होगी। पर अगर वही एक इंसान अपने जीवन को बदलता है, प्रभु यीशु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता है, तभी उसका जीवन कितना बदलता है और उसके जीवन के बदलने से उसका परिवार कितना आशीषित हो जाता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु को अपने जीवन का मालिक बनाइए, उसके हाथों में अपना जीवन दीजिए। वो आपको कहता है प्रार्थना करने के लिए, प्रार्थना कीजिए, प्रभु में परिश्रम कीजिए यानी प्रभु में बन के रहिए। प्रार्थना करना, नियमित रूप से प्रार्थना करना, नियमित रूप से प्रार्थना में आते रहना, बाइबल पढ़ते रहना, और प्रभु जो हमें पवित्र आत्मा के द्वारा बताता है उसे अपने जीवन में करते रहना। प्रभु बहुत सारी बातें इंसान के द्वारा नहीं तो अंदर से पवित्र आत्मा के द्वारा बताता है। बहुत लोगों को वो अलग अलग माध्यम से बताता है, जिसको जैसी सुनने की और सहन करने की ताकत रहती है प्रभु उसके साथ वैसे बातें करता है। कुछ लोगों के साथ वो पवित्र आत्मा के द्वारा बातें करता है, कुछ को वचन के द्वारा बातें करता है, कितनों को प्रार्थना के द्वारा उत्तर मिलता है, कितनों को प्रवचन के द्वारा उत्तर मिलता है। प्रभु हर एक को उसके प्रश्नों का उत्तर देता है, इसीलिए उसको अपने जीवन में उद्धारकर्ता, अपना स्वामी और अपना मालिक बनाइए। मुक्तिदाता वो आपका अपने आप बन जाएगा, अपने आप आपके जीवन के दुखों को वो अपने आप निकालेगा। ध्यान रखना, प्रभु यीशु पर विश्वास करना ये दुनिया का सबसे अच्छा और सही निर्णय है। बहुत लोगों को लगता है गलती नहीं हो जाएगी ना, गलती तो नहीं कर रहा हूँ, प्रभु पर विश्वास कर रहा हूँ, सब रिश्तेदार नफरत करने लगे, सब रिश्तेदारों ने छोड़ दिया है, सबका सुनना पड़ता है, प्रभु पर विश्वास करके गलत तो नहीं कर रहा हूँ, प्रभु पर विश्वास करके गलत तो नहीं कर रही हूँ।
आपको बताना चाहती हूँ, आपने दुनिया का सबसे सही निर्णय लिया है। ये अभी आपको नहीं समझेगा, जब अनंत काल के जीवन में आप प्रवेश करेंगे ना, उस समय आप देखेंगे प्रभु येसु आप पर कितना खुश हो जाएगा और वो अनंत काल के जीवन के लिए आपके लिए वो दरवाजा खोल देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। पौलुस बता रहा है उसके लिए मेहनत और परिश्रम करते रहिए, क्योंकि हमारी आशा उस जीवते परमेश्वर पर है, जीवता परमेश्वर, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवता परमेश्वर है। ऐसे परमेश्वर पर हमने उम्मीद रखी है, ऐसे परमेश्वर पर हमने भरोसा रखा है और ऐसे परमेश्वर के ऊपर हम देख रहे हैं, जो परमेश्वर सब मनुष्यों का और विशेष करके विश्वासियों का उद्धार करता है। आप अगर प्रभु येसु पर विश्वास कर रहे हैं तो निराश मत होइए, आपकी निराशा को वो ऐसे ही रखने नहीं देगा। आप ज़्यादा देर तक निराशा में नहीं रहेंगे, एक समय आ जाएगा कि आपकी निराशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा और जहाँ पर सब दरवाजे बंद हो गए वहाँ पर प्रभु येसु दरवाज़ा खोलेगा। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु येसु पर विश्वास करने के बाद बहुत लोगों के जीवन में बहुत बड़े बड़े संकट और तूफान आते हैं, क्योंकि जिसका विश्वास जितना बड़ा उतनी बड़ी उसकी परीक्षा। आपका विश्वास जितना बड़ा है उतनी बड़ी आपकी परीक्षा हो जाएगी। और ध्यान रखना, ये परीक्षा लेने का अधिकार शैतान को परमेश्वर की ओर से ही मिलता है, ताकि वो आपके विश्वास को परखे और जाने। पर एक बात ध्यान रखना, उस संकट और मुसीबतों के समय में भी आप अकेले नहीं चल रहे होंगे, वो हमारा उद्धारकर्ता प्रभु येसु हमेशा आपके साथ चलता रहेगा, हमेशा। और जब आपको लगेगा अब मैं ख़त्म हो गया, अब मैं ख़त्म हो गई, अब कुछ बचा नहीं है, अब कुछ बचा नहीं, ऐसे समय पे वो आपके सामने ऐसा दरवाज़ा खोलेगा जो दरवाज़ा आपको अब तक कभी दिखा नहीं था, पर वो प्रभु येसु आपको आत्मा के रूप में वो दरवाज़ा दिखाएगा और आपके लिए मार्ग खुला करेगा। क्योंकि वो प्रभु येसु पर विश्वास करने वाले कभी लज्जित और फज्जित नहीं होते, इसीलिए उस प्रभु येसु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कीजिए। आज आप जिस परिस्थिति में हो उस परिस्थिति में उसके सामने घुटना टेकिए, उस परिस्थिति में अपने हाथों को ऊपर उठाइए, उस परिस्थिति में आँखें बंद कीजिए और कहिए प्रभु को, आज से मैं तुझे अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करता हूँ, आज से मेरे जीवन का मालिक तू है, आज से मैं मेरा पूरा जीवन तेरे हाथों में देता हूँ, अब इसे तू ले और जैसा तू चाहता है वैसा चला। देखिए कुछ ही दिनों में आपका जीवन ऐसा बदल जाएगा कि आपको खुद को विश्वास नहीं होगा, पहले मैं क्या था और अब क्या हो गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु येसु ये पूरे मानव जाति के लिए उपलब्ध है, पर जो उस पर विश्वास करते हैं उनके लिए वो विशेष करके उपलब्ध है और उनका विशेष करके वो उद्धार करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है, मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। आपके शरीर में जहाँ कहीं बीमारी है आप वहाँ पर हाथ रखिए, अगर आप वहाँ हाथ नहीं रख सकते तो आप अपने सीने पर हाथ रखिए और पूरा विश्वास कीजिए कि प्रभु येसु इसी समय आपको हाथ लगाकर चंगाई देगा, आपकी बीमारी से आपको छुटकारा देगा, आपके दुखों से वो आपको मुक्त करेगा। प्रभु येसु के पवित्र नाम से आपके शरीर की हर एक बीमारी इसी समय पूरी तरह से निकल जाए, आपके जीवन का हर एक दुख प्रभु येसु के पवित्र नाम से इसी समय निकल जाए। आपके जीवन में शैतान की ताकत जो काम कर रही है, मैं प्रभु येसु के नाम से आज्ञा देती हूँ वो सारी ताकत इसी समय निकल जाए। सब प्रकार की दुष्ट आत्माओं इनके जीवन से पूरी तरह से इन्हें छोड़कर निकल जाओ और फिर से इनके जीवन में वापस मत आना। आपके जीवन में प्रभु येसु की शांति आए, आपके दिल में प्रभु येसु का आनंद आए, पवित्र आत्मा की शांति और आनंद आपके जीवन में और आपके परिवार पर आ जाए। आमीन।